तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ये लो ये मेरा एनी पॉइंट है, ये मेरा डायपोल है, ओरिजिनल डायग्राम क्लियर है, माइनस क्यू प्लस क्यू, सारे डिस्टेंसेस डायपोल के कहाँ से लिए जाते हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल क्लियर है, चाहे वो एक्सियल का कोई डिस्टेंस हो चाहे इक्वेटोरियल का डिस्टेंस हो। किसी ने कहा सर मेरे को तो पी यहाँ पे ई निकाल के दिखाओ, तो ठीक है मैंने कहा जहाँ ई निकालना है वहाँ चार्ज प्लस वन रख लो, तो ठीक है प्लस वन हो गया, निकालना है ई। इस प्रॉब्लम को करने से पहले एक चीज और आपको इसमें समझनी पड़ेगी कि जो डायपोल है या डायपोल मोमेंट है उसका सिंबल पी वेक्टर है, एंड पी वेक्टर, पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये सबको मालूम है, पी तो वेक्टर होता है। अब मैं इसमें क्या करवाने वाला हूं, और नीचे वाला देखो, मैं इसमें ये बताने वाला हूं कि सपोज करो दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, और मुझे यहां पे आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है, नेट ई निकालने क्या होगा, ये क्वेश्चन है, और ये एंगल कितना है थीटा। जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन इस तरफ नहीं है, डायपोल मोमेंट, क्योंकि एक्चुअल डायपोल तो ये है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये स्टेप पहला स्टेप समझ में आया। जो डायपोल मोमेंट है पी वेक्टर, उसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो बी वेक्टर दिख रहा है। इस पी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, पहला कंपोनेंट इस तरफ जिसकी वैल्यू क्या होगी पी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ जिसकी वैल्यू क्या होगी पी साइन थीटा। क्या है पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो एक वैल्यू इसमें क्या आएगी पी कॉस थीटा, एक वैल्यू इसमें क्या आएगी पी साइन थीटा, राइट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसकी जरूरत क्या है, मतलब पी से काम डायरेक्टली क्यों नहीं चल रहा, हम इसमें क्यों कंपोनेंट्स ले रहे हैं, मैं इसका आंसर अभी थोड़ी देर में आपको दूंगा। हाँ ये बता सकता हूँ कि जैसे आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल के अंदर वी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो वी हम एक्स वाई प्लेन में ऐसे काम नहीं करते थे, अगर हमें एक्स में काम करना है तो कंपोनेंट लिया करते थे वी कॉस थीटा, और अगर वाई में काम करना है तो कंपोनेंट लिया करते थे वी साइन थीटा। तो कंपोनेंट्स का यही फायदा है कि आप कंपोनेंट्स ड्रॉ करें तो एक्चुअल वेक्टर में काम करने की आपको जरूरत नहीं है, कंपोनेंट जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ हम ई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। मैं करके दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले ये बताओ कि कंपोनेंट्स क्लियर हो गए, ठीक। अब दूसरा रिजल्ट मुझे ये बताना है, सपोज करो इसको 2 मिनट यहीं छोड़ रहे हैं, ये डायग्राम को, पी वेक्टर के दो कंपोनेंट है पी कॉस पी साइन, इस पे बाद में वापस आएंगे। ये बताओ, ये सिर्फ नोट है बीच में, अगर मान लो मैं आपको ये बोलता हूं कि यहां पर मेरा एक डायपोल पड़ा हुआ है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये पी वेक्टर है, राइट। और मैं अगर ये कहूँ ये डॉट 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 लाइन है, तो आप में से काफी लोग ये कहेंगे कि ये तो एक्सियल लाइन है, क्योंकि डायपोल मोमेंट के साथ में जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं, दिख रही है एक्सियल लाइन। और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि चलो ठीक है एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इस डायपोल मोमेंट की वजह से यहां पर ई की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो सबको मालूम है इन द सेम डायरेक्शन होगी, क्योंकि एक्सियल लाइन में पी वेक्टर और नेट ई वेक्टर आर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन। कोई डाउट इसमें, तो ये डायग्राम सबको समझ में आया। और बाई चांस मैं आपसे ये पूछ लूं, चलो यही बता दो कि ई की वैल्यू क्या होगी, तो आपने एक्सियल का फॉर्मूला याद किया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी बाय आर क्यूब, ये भी डन, तो सबको ये समझ में आ गया, ये पुराना है पिछला टॉपिक से लिया है मैंने, नया टॉपिक नहीं है। कोई डाउट इसमें, तो डायरेक्शन समझ में आती है पी एंड ई आर इन सेम डायरेक्शन, और ये भी समझ में आता है कि इसमें जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी। चलो मैं अपना क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा कि ना मैं वैल्यू यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायग्राम तो सेम है, पर मेरे पास ना वैल्यू पी नहीं है, मेरे पास वैल्यू पी कॉस थीटा है, तो आप कहोगे कोई बात नहीं बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम, फॉर्मूले में जहाँ पी यूज कर रहे हो ना वहां पर रिप्लेस कर दो पी कॉस थीटा। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, डाउट इसमें, तो जहां पर आप यूज कर रहे हो पी तो यहां पर पी, यहां पी की वैल्यू 10 तो यहां 10, यहां वैल्यू पी कॉस थीटा तो यहां पर पी कॉस थीटा। क्या ये रूल समझ में आ गया यहां तक, कोई डाउट किसी को यहां पर। फिर कैलकुलेट करते हैं, देखो हमने इक्वेटोरियल का किया था, ये भी डेरिवेशन का पार्ट नहीं है प्लीज,
और ये पूरी शीट के ऊपर लिख सकते हो स्टार्टिंग में, दिस इज फॉर एनसीईआरटी, जो आज शीट्स मिली है वो भी फॉर एनसीईआरटी, ये टोटल शीट एनसीईआरटी की है। अगली बार जो मिलेगी वो फिर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से शीट आएगी, ठीक है। तो आज इसको क्लोज करने वाले हैं हम, आज तो नहीं होंगी, नेक्स्ट टाइम तो क्लोज होगी एनसीईआरटी, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। फिर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल में माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, हमने क्या रिजल्ट किया, डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये रही नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेट ई की वैल्यू की जो डायरेक्शन होगी वो इस पी वेक्टर के क्या होगी, ऑपोजिट एट एन एंगल ऑफ 180। ये स्टेप क्लियर है, अभी किया, इक्वेटोरियल में 180 होता है, एक्सियल में सेम होता है। और इसकी वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला बताओ, अब आंसर लिखेंगे 1/4πε0P/r³, कोई डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि नहीं मेरे पास वैल्यू डायपोल तो है, डायपोल मोमेंट भी है, पर वैल्यू पी नहीं है, वैल्यू पी कॉस थीटा है और इस तरफ है, आपको के कोई बात नहीं, रूल तो वही रहेगा 180 वाला, डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी, पर इसकी जो वैल्यू होगी वहां पी की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, पी कॉस थीटा। और अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास तो पी साइन थीटा, तो यहां रिप्लेस हो जाएगा पी साइन थीटा, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, जो वैल्यू नीचे वही वैल्यू ऊपर। तो ये शॉर्टकट क्लियर है, ठीक। मैं इन्हें अब यूज करने वाला हूं, बड़े ध्यान से अब देखना मैं क्या करने वाला हूं। मेरा ये बोर्ड का डायग्राम ये देख रहे हो, ये रहा, इस डायग्राम में मैं इसे अब एक काम करने वाला हूं कि क्योंकि मैंने पी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स ले लिए, अब मैं कंपोनेंट्स के साथ काम करूंगा, ओरिजिनल पी वेक्टर के साथ काम नहीं करूंगा, मैं 2 मिनट के लिए इसे मिटा रहा हूं, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, बस मुझे दो डायपोल मोमेंट दिख रहे हैं, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा। बस मैं क्या करूंगा, मैं इन कंपोनेंट से पी कॉस थीटा से ये पूछूंगा कि पी कॉस थीटा कितना ई लगाएगा यहां पे, मतलब पी कॉस थीटा का कंट्रीब्यूशन नोट करूंगा कि पी कॉस थीटा कितना ई कंट्रीब्यूट करेगा, वो बना लूंगा। फिर मैं पी साइन थीटा वेक्टर से पूछूंगा कि तू कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये बताएगा मैं इतना ई कंट्रीब्यूट करूंगा इस पॉइंट पर। मैं दोनों की ई की वैल्यू ले लूंगा, बट ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट पर ले लिया मैंने, फिर वेक्टर यूज करके नेट रिजल्टेंट ई वेक्टर का मैं निकाल पाऊंगा। तो मैं इकट्ठा एक गो में पी वेक्टर से सॉल्व नहीं करूंगा, मैं अपना काम किससे करूंगा, कॉम्पोनेंट से करूंगा। मैं करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये भी नहीं चाहिए, सिर्फ पी कॉस थीटा चाहिए, बस बस। तो पहला डायपोल मोमेंट मैंने क्या लिया, पी कॉस थीटा, पहला रूल क्लियर है। इस पी कॉस थीटा की डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी दूरी इस पॉइंट की कितनी है, यहां से यहां तक आर है। तो मैंने किसी से ये पूछा कि ये मेरा डायपोल मोमेंट है पी कॉस थीटा और मुझे ई यहां पर निकालना है, तो उसने फटाफट पहचान लिया क्योंकि ऊपर वाला केस उसने देख रखा था कि ये लाइन कौन सी लाइन है, इसके लिए एक्सियल लाइन है, और एक्सियल लाइन पे अगर डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है तो ई एक्सियल की डायरेक्शन भी एग्जैक्टली इसी तरफ होगी। और फॉर्मूला बोलो 1/4πε0, वैसे फॉर्मूला ये होता है पर हम यहां पर क्या यूज करेंगे, पी, क्या ये रूल समझ में आ गया। तो पी कॉस थीटा अपना कंट्रीब्यूशन ई एक्सेल का दिखा देगा यहां पे कि मैं तो इतना कंट्रीब्यूट करूंगा यहां पर इस पॉइंट पर, और वैल्यू भी उसने अपनी बता दी कि इतनी वैल्यू आएगी। ये स्टेप सबको क्लियर है, यहां तक अगर कोई डाउट है तो पहले ही पूछ लो, मैं डायग्राम मिटा के नया डायग्राम बनाने वाला हूं इसलिए, ठीक। तो हमने पी के साथ काम नहीं किया, हमने उसके कॉम्पोनेंट के साथ काम करना है 2 बार, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा। तो पी कॉस थीटा का कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहा। अब एक काम करते हैं, इस कंट्रीब्यूशन को यहीं रहने देते हैं। अब ये मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे दूसरा कंपोनेंट चाहिए, ये मेरा दूसरा कंपोनेंट है पी साइन थीटा। अब सोचो ये डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट पी साइन थीटा और पॉइंट तो वही है जहां ई निकालना है, ये क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उस पॉइंट पर। तो ये साफ पता लग रहा है कि इस डायपोल मोमेंट के लिए ये जो पॉइंट है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन है। तो इस डायपोल मोमेंट के लिए वो पॉइंट इक्वेटोरियल है, और इक्वेटोरियल का रूल क्या बोलता है कि अगर डायपोल मोमेंट इस तरफ है तो इसका कंट्रीब्यूशन ई का एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट है, तो अगर ये इधर जा रहा है तो कंट्रीब्यूशन उल्टा जाएगा।
और इस कंट्रीब्यूशन की जो वैल्यू होगी इक्वेटोरियल की 1/4 pi epsilon naught, वैसे तो ये फॉर्मूला होता है पर यहां पर p इंटू साइन थीटा फॉर्मूला लगेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो p cos थीटा का कंट्रीब्यूशन ईएक्सएल, p sin थीटा दो डायपोल, बेसिकली दो डायपोल का क्वेश्चन बन गया, एक डायपोल p cos थीटा, एक डायपोल p sin थीटा। p cos थीटा का कंट्रीब्यूशन एक्सएल, क्योंकि p cos थीटा के लिए ये पॉइंट एक्सएल लाइन पे है और p sin थीटा के लिए यही पॉइंट इक्वेटोरियल के लिए इक्वेटोरियल की तरह काम कर रहा है। अब मुझे पता है यहां पर दो वेक्टर इकट्ठे हो चुके हैं और दोनों के दोनों एट एन एंगल ऑफ कितने इकट्ठे होंगे 90। मैं नेट ई निकालना चाहता हूं तो मैं पैरेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट ई कैन बी कैलकुलेटेड। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे होगा? पी से नहीं होगा, उसके कंपोनेंट से होगा। कोई डाउट इसमें? तो देखें कैसे होगा। तो फिर आपने जब ये प्रूव करने को आएगा तो नेक्स्ट से नेक्स्ट टाइम आएगा, नेक्स्ट से नेक्स्ट टाइम आपका टेस्ट है सब्जेक्टिव अगेन, फिर से ये चैप्टर क्लोज हो रहा है, अगली बार जितना भी काम होगा उसका रजिस्टर और उसका जो भी टेस्ट साथ के साथ हो जाएगा, क्योंकि जब एनसीईआरटी क्लोज होती है एनसीईआरटी साथ के साथ बंद हो जाती है। और इस संडे को आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा ओनली फोर्स, बस ए चैप्टर में से सिर्फ फोर्स फोर्स का बस, ठीक, कोई फील्ड नहीं, ई नहीं। ई वेक्टर तब आएगा जब इसका एनसीईआरटी होगा, फिर अगला टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव होगा सिर्फ ई वेक्टर का होगा, राइट। और फोर्स के अंदर भी सिर्फ पॉइंट चार्जेस आएंगे, कोई रिंग डिस्क कुछ नहीं आएगा, बस पॉइंट 1/4 pi epsilon naught q1 q2 / r², ठीक। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, प्लान समझ में आ रहा है कि कैसे होगा। और मैंने बता दिया इस बार टेस्ट, शायद लास्ट टाइम आपके बैच में बताया था क्यूमुलेटिव लेंगे इस बार टेस्ट थोड़ा सा। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, बड़े सिलेबस में लोग थोड़ा भागते हैं यार सिलेबस ज़्यादा हो गया तो मुश्किल लगती है, तो धीरे धीरे उसको क्लब करते जाएंगे ताकि आदत पड़ी रहे बड़े सिलेबस को हैंडल करने की। जैसे फोर्स फील्ड, फिर अगला टेस्ट फोर्स फील्ड इकट्ठा, फोर्स फील्ड पोटेंशियल, फोर्स फील्ड पोटेंशियल, और फिर ऐसे ही फोर्स फील्ड पोटेंशियल कैपेसिटर, फिर प्लस चार, यही तरीका और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन है, मैं 100% कह सकता हूँ कि जो प्लस वन प्लस टू की शीट्स करके जाएगा वो कम से कम, नहीं तो देखो अपनी अपनी समझदारी होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप रिटेन कर जाओ तो मैं बता रहा हूँ 30 में से 20+ का अटेम्प्ट तो कहीं नहीं जाएगा। और अगर आप बुक करके जा रहे हैं फिर तो गारंटेड है कि 25+ का अटेम्प्ट जाएगा मेंस के अंदर पक्का। और नीट के अंदर तो मतलब आसान पेपर है, अगर ऐसे ही चलता रहा कोई ट्रेंड ब्रेक ना हुआ तो 40+ अटेम्प्ट हो सकता है 45 में से, ठीक, प्रोवाइडेड आप रिटेन करें चीज़ को, भूल ना जाएं कि ओ मैं भूल गया वहाँ जाके न्यूमेरिकल किया तो था, हो नहीं रहा। और 99% केस में यही होता है, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ पर? तो देखो जरा, ये p वेक्टर थीटा, p cos और p sin, p cos थीटा का कंट्रीब्यूशन e axial, p sin थीटा का कंट्रीब्यूशन e इक्वेटोरियल, वैल्यू साथ साथ लिखी हुई है। नेट e की वैल्यू क्या होगी? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये नेट रिजल्टेंट आ गया e नेट, समझ में आ रहा है यहां तक? और क्योंकि नेट ई की वैल्यू इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन बताने के लिए हम कोई एंगल ले लेते हैं, लेट अस सपोज अल्फा, जैसे पैरेललोग्राम लॉ के अंदर वो बीटा लेते थे टैन बीटा, ऐसे इसमें अल्फा ले लिया, क्या फर्क पड़ता है? तो ई नेट का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा? अंडर रूट ऑफ ई एक्सएल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है? EXL का स्क्वायर, EQTOL का स्क्वायर, EXL की वैल्यू पुट कर दी, EQTOL की वैल्यू पुट कर दी ऊपर से, ये भी क्लियर है, ठीक है यहां तक? इन वैल्यूज को पुट करके यहां से कॉमन आ गया 1/4 pi epsilon naught p / r³ का स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां क्या बचा 2 cos theta का स्क्वायर, और यहां पर क्या बचा सिर्फ sin theta का स्क्वायर। p काटो, दोनों में p कट करो, करेक्शन है, p काट दो, यहां से p नहीं चाहिए, p बाहर आ गया ना यहां पे, इसलिए तो p मैंने बाहर निकाल लिया होल स्क्वायर की वजह से, तो अंदर सिर्फ sin theta बचेगा, चेक करो, ठीक है ना? यहां तक ऐसे निकलेगा ना कॉमन? कोई डाउट इसमें? ओके, तो इसमें से ये होल स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, तो ये टर्म आ गई 2 cos theta का स्क्वायर और sin theta का स्क्वायर, p कट कर लेना यहां से। इसे अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 4 cos² theta प्लस sin स्क्वायर थीटा, 4 cos² theta प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने नीचे,
क्या ये स्टेप क्लियर है? ई नेट, ये स्टेप क्लियर है? लास्ट स्टेप है फोर कॉस स्क्वायर को ब्रेक कर लो, थ्री कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ताकि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो जाए, वन। ये डेरिवेशन का एंड है, यहां तक आप करके आएंगे जब आपके पेपर में आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि ई नेट की वैल्यू किसी भी थीटा एंगल पर कैसे डिपेंडेंट है? आयुष क्लियर है? आदित्य क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब रिजल्ट को वेरीफाई भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और काम करेंगे। क्योंकि ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो हमें डायरेक्शन साथ बतानी पड़ेगी। तो अगर मैं ऊपर वाले डायग्राम में जाऊं और ऊपर वाले डायग्राम में देखूं कि टैन अल्फा किसके इक्वल है, टैन अल्फा इज इक्वल टू ई इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाई ई एक्सियल, तो ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल, तो यहां पे वैल्यू आएगी ई इक्वेटोरियल ई एक्सियल, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हाफ बच जाएगा, और रादर टैन थीटा भी साइन बाई कॉस टैन है, तो टैन अल्फा इज हाफ इंटू टैन ऑफ थीटा। बस ये डायरेक्शन बताने का तरीका है, यहीं तक छोड़ देंगे, सफिशियंट है। क्लियर है यहां तक? डिवाइड कर दो ना टैन अल्फा इज पैरेललोग्राम लॉ से ई इक्वेटोरियल बाई ई एक्सियल। क्या स्टेप क्लियर है सबको? नेक्स्ट है, अगर मान लो एक मिनट के लिए थीटा एंगल इस डायग्राम में जीरो कर दें, अगर ये एंगल जीरो हो जाए तो ये पी पॉइंट कहां लाई करेगा? एक्सिस पे। कौन सी लाइन हो जाएगी? एक्सियल। और अगर थीटा 90 हो जाए तो पॉइंट पी कहां लाई करेगा? इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो वेरीफाई करते हैं हम इस रिजल्ट को, वेरीफाई ऐसे करेंगे कि अगर थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू जीरो है, जीरो है, तो पॉइंट कहां पर आएगा? एक्सियल। तो थीटा को यहां पर जीरो पुट करते हैं तो थ्री इंटू कॉस स्क्वायर जीरो, कॉस जीरो क्या होता है वन, थ्री प्लस वन फोर, फोर का अंडर रूट इज टू, तो आपके पास सॉल्व करके आंसर ये आ जाता है। और जो किसके साथ मैच करता है? फॉर्मूला फॉर एक्सियल। इसका मतलब जो फॉर्मूला थीटा की फॉर्म में हमने प्रूव किया वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक। और ऐसी अगर थीटा 90 पुट करें तो पॉइंट कहां पर आ जाएगा? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल के लिए 90 पुट करेंगे, कॉस 90 क्या होता है? जीरो। आंसर पी बाय आर क्यू। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो यानी कि ये रिजल्ट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये रिजल्ट एकदम सही है। तो ये तीसरा टॉपिक है आप आज का, सिर्फ चार ही टॉपिक करने हैं, टॉर्क तक आज क्लोज होगा। तो ये तीन टॉपिक सबको क्लियर है, एक्सियल, इक्वेटोरियल और एट एनी पॉइंट। चलो इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले अब नेक्स्ट शीट, जो आज की शीट है उसे ओपन करो, और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज शीट नंबर 7 हैंड रिटन शीट का प्रिंट आउट रिसेप्शन से लें। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले जो हमने दो फॉर्मूलास किए मैंने ऊपर लिख दिए कि एक्सियल लाइन पे ये फॉर्मूला लगेगा 2p बाय r क्यूब, और इक्वेटोरियल पे सिर्फ p बाय r क्यूब। डन, यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन है टू चार्जेस 20 and -20 microcoulomb, 20 and -20 microcoulomb आर हेल्ड एट 1 cm अपार्ट। तो 20 और माइनस 20 माइक्रोकूलम आर हेल्ड कितने सेंटीमीटर? 1 cm अपार्ट। देखते ही पता लगता है 20 and -20 का मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहे हैं, क्योंकि अगर ये अनइक्वल चार्जेस होते फिर डायपोल ना बनता, इक्वल एंड ऑपोजिट है तो ये डायपोल बनेगा, तो ये डायपोल बन गया इसमें प्लस 20 and -20 का, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 cm। तो सेपरेशन के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? 2a। दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस a नहीं होता, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 2a। तो इस केस में a की वैल्यू क्या आएगी? 0.5 cm। क्या स्टेप क्लियर है? 2a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 0.5 है, तो मेरे ख्याल से डायग्राम में समझ भी आ रहा है a की वैल्यू 0.5 है। उसने कहा कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड e निकालो, कहां पे?
इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, ये रही। कितने सेंटीमीटर ऊपर? 50 सेंटीमीटर ऊपर ई की वैल्यू आपको निकालनी है। ये स्पेस खाली क्यों है? क्योंकि आपको निकालनी है। करो, वेरीफाई करो। ठीक, तो देखो जिन्होंने सॉल्व किया, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला इज 1/4 pi epsilon naught p/r³। इस क्वेश्चन में p क्या होता है? q इंटू 2a। p इज इक्वल टू चार्ज का कोई मैग्नीट्यूड बोलो, 20 × 10⁻⁶। तो इसमें मैग्नीट्यूड लेना है, और 2a मैंने बता दिया कितना, 1 सेंटीमीटर, 1 × 10⁻²। मीटर, आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। तो P की वैल्यू ये पुट करेंगे, और R की वैल्यू बोलो क्या पुट करेंगे, 50 सेंटीमीटर है, तो इसको 10⁻²² करके किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो एक मीटर और इसमें मीटर और ये इस वैल्यूज को पुट करना और आंसर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। आ गया कितने आंसर आ गया? ये आ गया, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे? बंदा क्लियर है? P क्या होता है? Q इंटू 2A। Q कितना है? 20 माइक्रो कूलम। 2A कितना है? 1 सेंटीमीटर। यहां पुट कर लोगे, ये देखो E इक्वेटोरियल फिर क्या आएगा, 9 × 10⁹। P की जगह क्या पुट करेंगे, 20 × 10⁻⁶ × 1 × 10⁻²। और R की जगह 50 × 10⁻²² का होल क्यूब। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, टू चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रो कूलम बट ऑपोजिट साइन। करेक्शन करो प्लीज, यहां पर एक प्लस और एक माइनस करो प्लीज, मैंने गलती से दोनों प्लस ले लिए, एक प्लस और एक माइनस, इक्वल एंड ऑपोजिट बोला उसने, तो इससे पता लगता है ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल ना होता फिर तो मेरे को वही रूल लगाना पड़ना था कि प्लस वन रखो फिर रिपल्शन अट्रैक्शन देखो। तो प्लस वन और -1 माइक्रो कूलम चार्ज है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। तो इस केस में ये इसकी एक्सियल लाइन है, सारे डिस्टेंसेस डायपोल के कहां से मेजर किए जाते हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ
डायपोल इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर ई की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो प्लस वन रखो, रिपल्शन अट्रैक्शन देखो, या फिर क्योंकि ये एक्सियल लाइन है तो एक्सियल लाइन के अंदर, ये एक्सियल लाइन में एक्सियल लाइन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर 2a की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर, या फिर 1 × 10⁻²⁻² मीटर। क्या ये स्टेप क्लियर है मनप्रीत? क्लियर है, ठीक है, यहां तक 2a गिवन है। नेक्स्ट है, आपको इस क्वेश्चन में चार्ज भी गिवन है, तो p की वैल्यू तो आई जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू 2a, तो p इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इसके इक्वल है, और 2a इज 1 × 10⁻²⁻², तो q इंटू 2a से पहले p आ गया। हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, e एक्सीएल का 1/4πε₀ 2π/r³ फॉर्मूला होता है, और r का मतलब डिस्टेंस कहां से लेते हैं, फ्रॉम सेंटर, जो कि कितना गिवन है 10। ठीक है यहां तक, तो यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, 9 × 10⁻⁹ इंटू 2, पी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 1 × 10⁻⁶ इंटू 1 × 10⁻², बाय आर की वैल्यू सेंटीमीटर में है, पहले से मीटर में कन्वर्ट करो, होल क्यूब। आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या करना है, ई एक्सएल और ई इक्वेटोरियल के बेसिक प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, ठीक। और सबसे कमाल की चीज, अगर ये न्यूमेरिकल आया वो बिल्कुल नहीं बोलेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल है, आप पहचान जाओगे एक्सएल इक्वेटोरियल है, बस वो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज बोल के छोड़ देगा। जिसको तो याद आ गया एक्सएल इक्वेटोरियल, वो तो फटाफट फॉर्मूला लगा लेगा, जिसको याद नहीं आता तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो एक काम करें, जहां ई निकालना है प्लस वन रखे, ये माइनस इसे अट्रैक्ट करेगा, प्लस इसे रिपेल करेगा, दोनों चार्जेस का ई निकाल ले और फिर दोनों को माइनस करे, मतलब एक तरीके से डेरिवेशन फिर से करनी पड़ेगी उसे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा फिर भी, ठीक। बस फॉर्मूले में ये फायदा है कि जल्दी हो जाएगा, उसमें फिर माइनस करके आपको एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा, बट ये स्टेप क्लियर है कैसे करना है इसे सॉल्व, कोई डाउट इसमें? एक और लेट कर देते हैं यार, ए होता ही कितना है, 0.05 का मीटर में कन्वर्ट कर, 0.0005 आ जाएगा, स्क्वायर कौन करेगा डिनोमिनेटर में, फायदा ही नहीं, आंसर कर ले सेम ही आएगा, इतना फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, ध्यान से देखना प्लीज। सपोज करो आपको किसी प्रॉब्लम में ये गिवन है कि एक चार्ज पार्टिकल क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए मैंने क्या किया, दो प्लेट्स ले ली, एक ये प्लेट एक ये प्लेट, अपने मन से ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, एक प्लेट को पॉजिटिव एक प्लेट को नेगेटिव, और ये समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो लाइंस ऊपर जाएंगी, समझ में आ रहा है क्यों? उसने कहा या कोई भी क्वेश्चन में कहा जाएगा कि एक चार्ज पार्टिकल हवा में रेस्ट पे आ गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे। मिलिकन एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, उसने एक ऑयल का ड्रॉप लिया, उस ऑयल के ड्रॉप को हवा में उसने रोक के दिखा दिया, वो नीचे नहीं गिरा, जबकि वो नीचे गिर जाना चाहिए था बिकॉज ऑफ इट्स वेट। उसने क्या किया, उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर दिया पॉजिटिव, कुछ ऐसे पॉजिटिव, उसका वेट ऑयल का उससे नीचे गिर रहा था mg, पर क्योंकि उसे पता था कि ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पड़ा हुआ है विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और फोर्स की वैल्यू ई की फॉर्म में क्या होती है, F=qE, वो फोर्स की डायरेक्शन कहां लगेगी, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल या माइनस अट्रैक्ट, तो ऑब्वियसली फोर्स कहां लगेगी, ऊपर रिपल्सिव। और वैसे भी पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होता है, इंपॉर्टेंट टर्म बोल रहा हूं, बहुत बार यूज करूंगा आज, पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स क्यूई इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नेगेटिव चार्ज अगर यहां पड़ा होता माइनस, तो वो अट्रैक्शन फील करता नीचे, तो वो कहां आता, नीचे, तो उसकी मोशन कहां पर हो जाती, नीचे। रिजल्ट सुन लो, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा जाए
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। नेगेटिव चार्ज कैसे मूव करेगा? ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को मैं कम से कम तो 5 या 6 बार इस लेक्चर में रिपीट करूंगा, ठीक? करना पड़ेगा, मैं रोज नहीं करना चाहता, एक महीना, इसलिए क्योंकि फटाफट आप फिर वेक्टर फटाफट ड्रॉ करोगे। पर क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, अब सोचना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का है ऊपर तो फोर्स एक्सपीरियंस ऊपर, तो अगर आप चाहते हो कि ये चार्ज पार्टिकल हवा में रेस्ट पे रह जाए तो नीचे की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्स, तो आप क्या अप्लाई करेंगे? mg इज इक्वल टू qe। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में ये रिजल्ट लगेगा। mg को कौन बैलेंस करेगा? qe। ठीक है यहां तक? क्वेश्चन है, ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। था तो क्वेश्चन के अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन, पर मैंने जब ये डायग्राम बनाया मैं भूल गया कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मतलब फालतू इलेक्ट्रॉन है। फालतू का मतलब चार्ज क्या आएगा ऑयल के ऊपर? नेगेटिव। पर मैंने इसको पॉजिटिव के साथ सॉल्व कर दिया, तो प्लीज आप लिख लेना एक्सेस काट के, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन लिख लो, 12 की कमी है, अब क्या ही कर सकते हैं, सॉल्यूशन कौन चेंज करेगा, तो प्लीज यहां लिख लेना। क्योंकि अगर एक्सेस होता तो मुझे ना फील्ड उल्टा करना पड़ता, ये माइनस और ये, अब डायग्राम चेंज क्यों करवाऊंगा, आप प्लीज उसमें डेफिशिएंट कर लो, इसका मतलब उसके पास डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी का मतलब कौन सा चार्ज है? प्लस। ठीक है यहां तक? क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, वो अलग बात है, मैंने मॉडिफाई किया। तो डेफिशिएंट का मतलब ये चार्ज है, और कितना डेफिशिएंट है? 12 इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटाइजेशन याद है, यानी कि किसी ने इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? 12। तो q इज इक्वल टू, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। 12 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? e की जगह 10^-19। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही होता है, तो 12 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल है। तो q की वैल्यू हमें यहां पर पता लग चुकी है। वो ये कह रहा है कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में से रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मन में अज्यूम कर लिया मैंने ऊपर की तरफ, वो इसलिए मुझे कैसे, देखो क्वेश्चन में ये ना फील्ड्स गिवन नहीं होते, ये मैं खुद ड्रॉ करता हूं। कैसे? मुझे मालूम था कि ये प्लस चार्ज है, ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसका वेट नीचे गिरेगा तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड कहां होनी चाहिए? ऊपर। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और फोर्स एक्सपीरियंस ऊपर कर रहा है, समझो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऊपर की तरफ फोर्स है। अगर ये रेस्ट पे रहना रखना चाहते हो तो q इज इक्वल टू mg, डेंसिटी ऑयल की गिवन है, रेडियस निकालना है। तो ये एक्सपेरिमेंट मिलिकन ने किया, तो एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्योंकि ये रेस्ट पे है, q इज इक्वल टू mg, मास क्या होगा स्फेयर का, इस ड्रॉप का, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। चार्ज क्या पुट किया हमने? 12 इंटू e। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे गिवन है 4/3 pi, पता है r मुझे निकालना है, डेंसिटी मुझे गिवन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, मैं ग्राम को कन्वर्ट कर लूंगा 10^-3 लगा के केजी, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, ये वैल्यू आ गई, तो केजी पर इसमें मीटर क्यूब में आ गया। एसआई में पुट करूंगा डेंसिटी, जी ज्यादा ही है 10 पुट कर लेना, मैंने 9.8 लिख दिया क्योंकि मैंने कौन सा सॉल्व करना था, तो ऑब्वियसली मैंने फटाफट लगा के उस सॉल्व किया। आपको सॉल्व करना है तो आप 10 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो करना पड़ेगा ना, तो 10 लगा सकते हो, इजी हो जाएगा। आर क्यूब की वैल्यू आ गई, मैं क्यूब रूट नहीं जानता, बिना कैलकुलेटर के या बिना टेबल के, मैंने ऐसे छोड़ दिया, आर की वैल्यू आ गई, अभी नहीं जानते तो ऐसे छोड़ दिया मैंने, आर की वैल्यू आएगी, बट ऐसा न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, आर क्यूब रूट में नहीं छोड़ेगा वो। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे उसने आर की वैल्यू को निकाला, कैसे वो रेस्ट पे रखता है एक ऑयल के ड्रॉप को, और वो नीचे क्यों नहीं गिरता? कोई डाउट किसी को इसमें? तो आज के बाद जो भी चीजें रेस्ट पे होंगी हवा में वो हो जाएंगी सॉल्व। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ना प्लीज एक बार,
कहाँ है, अटेंडेंस कहाँ है, हो गई अटेंडेंस सबकी? नहीं हुई, आगे नहीं हुई, लेके आ इधर से पूछ ले। देखो तो एक पेंडुलम है और जिसके ऊपर 80 मिलीग्राम चार्ज है, गलत पढ़ लिया यार, प्रॉफिट कर अटेंडेंस ले पहले तो यार, दिमाग उधर चल रहा है। फिर से, एक पेंडुलम है जिसका मास 80 मिलीग्राम है, कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2×10⁻¹ कूलम, इतना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, रेस्ट पे है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब सबसे पहली चीज माइंड में आती है कि पेंडुलम है, ठीक है पेंडुलम है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो कितने लोग एग्री करते हैं कि इसकी जो पोजीशन होगी बस वो ऐसे भी हो सकती है, ये पॉजिटिव चार्ज है और मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इस तरफ, तो कितने लोग एग्री करते हैं ऐसे लटका रहेगा? नहीं। और कितने कहते हैं कि राइट जाएगा, वैसे लटका क्यों रहेगा, मास बहुत भारी होगा, ये तो नहीं कहोगे। तो उससे क्या हुआ, 90 डिग्री पे अगर कोई पेंडुलम होता है तो मैंने तो नहीं कहा, चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है इट विल एक्सपीरियंस करेगा, मैंने नहीं इसे ऐसे खींचा तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ने खींच दिया, फोर्स एक्सपीरियंस क्या होगा, क्यू टाइम्स, अगर आप खींचोगे तो भी मेरी तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो मेरी तरफ मूव करेगा, मूव करेगा तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इसकी बजाय यहाँ पे कहीं पे ऐसे, ठीक, और वो कह रहा है यहाँ पर आके वो रुक गया, अब ये थोड़ा ना खींच के ऊपर ले जाएगा, तो इतना कह कि बस हल्का सा डिस्प्लेस हुआ और वहीं पर रेस्ट पे रह गया बस। तो सबसे पहला पॉइंट ये समझ में आता है कि ये मूव करेगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, सॉरी ये इस पोजीशन पे नहीं रहेगा, ये मूव करेगा। तो मैंने इसको अपने डायग्राम में ऐसे समझाया कि सपोज, लेट अस सपोज आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो इसमें ना गिवन नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आपको होगी डायग्राम बना के दिखाओ, नहीं वो डायग्राम देगा ही नहीं आपको पेंडुलम का, आपको खुद यही तो सीखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी अज्यूम कर लो, राइट कर लो, लेफ्ट कर लो, जहां मर्जी कर लो, अपने मन में मानो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं इस तरफ और ये क्या है, इधर कहीं ना कहीं किसी ने पॉजिटिव प्लेट रखी होगी और किसी ना किसी ने, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव रहा होगा, बता नहीं ना, अपने मन में अज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है यहां तक। फिर किसी ने यहां पर एक पेंडुलम लिया होगा, ये रहा पेंडुलम जिसके ऊपर कितना चार्ज है, क्यू पॉजिटिव, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, मेरी तरफ है, मेरी तरफ है, इस तरफ है और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई चेंज ही नहीं हो रहा, हर तरफ सेम वैल्यू दे रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स क्यू ई मेरी तरफ, राइट। तो वो कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया साइड पे कुछ यहां पे आके, क्योंकि ये इस तरफ क्यों आया, क्योंकि फोर्स क्या लग रही है, क्यू ई, ठीक, रुक गया। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं फोर्स के अंदर, थीटा यहां पर क्या जाती है, टेंशन टी, और इसका वेट कितना है mg। अब आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन, इसमें मैंने बाहर प्लेट्स नहीं बनाई बस, अदरवाइज सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी ने e लगाया, qe लगा, mg लगा, t लगा, थीटा थीटा अल्टरनेट, t cos थीटा, t sin थीटा, क्लियर है यहां तक। ये इक्विलिब्रियम में तो इक्वेशन क्या बनेगी, t cos थीटा इज इक्वल टू mg, t sin थीटा इज इक्वल टू qe। ऐसे क्वेश्चन फोर्स के अंदर भी किए थे, बस फर्क ये है फोर्स की वैल्यू आती थी 1/4πε0q1q2r2, क्योंकि दो चार्जेस थे, इसमें कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, ई की फॉर्म में फोर्स निकलनी स्टार्ट हो गई बस। तो ये दो इक्वेशंस हो गई, इन्हें डिवाइड कर लें, साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा क्यू बाय एम जी, क्यू की वैल्यू इसमें कितनी है, क्यू की वैल्यू है 2×10⁻¹, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, एम की वैल्यू कितनी है, मास कितना है इसमें 80 मिलीग्राम, 80×10⁻³ kg, और g की वैल्यू कितनी है 9.8, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा,
टेन थीटा। तो टेन थीटा से क्वेश्चन में निकालना है कि एंगल कितना है इक्विलिब्रियम में, तो थीटा इज टेन इनवर्स 0.5102, कितना आएगा 27। हाँ हाँ ठीक है, मिलीग्राम है, एक और 10^-3 लगेगा। हाँ 10^ मिली है ना, वो ग्राम से केजी है, तो 10^-3 एक और लगाओ, यहाँ पे लगाना भूल गया मैं, 10^-6 कर लो, इसका मतलब मिलीग्राम केजी, मिली के लिए 10^-3 ग्राम, ग्राम से फिर केजी, दो बार आएगा ना 10^-3, 10^-3 राइट, सही है। क्या पॉइंट क्लियर है? और क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में टी भी निकालना है, तो पहली क्वेश्चन में टी की थीटा को 27 पुट कर दो, तो ये लो आप थीटा को 27 पुट करोगे, टी साइन 27 एम इंटू जी, यहाँ भी प्लीज चेंज करना, एक बार फिर लगाना 10^-6 लगा लेना, सॉल्व करके फिर टेंशन निकाल लेना, जो भी आएगा निकाल लेना आंसर, या उसी को ग्राम ही कर लो, इससे अच्छा तो यार सॉल्यूशन क्या चेंज करना, एक ही बात है वो ज़्यादा बेटर था। चलो कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बस ये देख लो ग्राम और मिलीग्राम आप खुद कर लेना, कोई डाउट इसमें? ठीक है ओके। ये क्वेश्चन आपने मुझे करके दिखाना है, दो पॉइंट चार्जेस हैं, समझ लो दो गिवन है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर गिवन है, आपको मुझे ये बताना है कि मैं इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट कहां मिलेगा मुझे, मान लो एक्स डिस्टेंस में मिलेगा, जहां पर नेट ई जीरो आ जाए। अब जहां ई निकालना है वहां चार्ज क्या रखना है, +1। कोई स्टूडेंट दूसरे बैच में कहता है सर ये तो एक्सियल लाइन है, भाई ये डायपोल है ही नहीं, ये तो वैसे ही ई का प्रॉब्लम है, डायपोल होगा तो फॉर्मूले लगेंगे, डायपोल नहीं होगा तो बस नॉर्मल +1 लगाओ, करो वेक्टर ड्रॉ करो, ये प्लस इसे रिपेल करेगा, ये प्लस इसे रिपेल करेगा, और नेट ई क्या आना चाहिए, जीरो। जीरो कब आएगा, जब लेफ्ट का ई और राइट का ई की वैल्यू एग्जैक्टली सेम, इक्वेट करो, ट्राई करो।
देखो इस ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम फोर्स में बहुत हमने क्वेश्चंस किए जहां पर इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन था. इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो. तो हमने इसको ऐसे किया कि ये 5 × 10⁻¹⁹ और 20 × 10⁻¹⁹ और ये वो पॉइंट है जहां पर मुझे ई निकालना है और नेट ई क्या आना चाहिए, जीरो. अब ये अगर x है, ये 2 − x है, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा. e कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 5 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय x² और ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा. e विल बी इक्वल टू 20 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय 2 − x² तो अगर आप चाहते हो नेट e क्या हो जाए, जीरो, तो 1/4πε₀ 20 × 10⁻¹⁹ 2 − x² मस्ट बी इक्वल टू 1/4πε₀ 5 × 10⁻¹⁹ बाई x². ये कैंसल हो गया, 5 और ये 4 हो गया, तो 4 2 − x² इज इक्वल टू 1/x² अंडर रूट लो, x निकालो, आंसर आएगा. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्वेश्चन को कैसे करना, नेट ई जीरो, कोई डाउट इसमें? ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल आएगा, आ गया तो लग गया फॉर्मूला, नहीं लगा तो प्लस वन वाला तो लगेगा ही लगेगा. अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मैं इस क्वाइन में से निकालूं. जब मैं इस क्वाइन में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालूंगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव. तो मैंने अगर इसमें से एन इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, एन इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो चार्ज क्यू किसके इक्वल होगा, प्लस एनी. क्वांटाइजेशन यही बोलता है कि जो चार्ज की वैल्यू है वो किसके साथ मैच करेगी, क्यू इज इक्वल टू एनी. कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक? तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और मेरे को इस क्वाइन को मास गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेशनरी रखना है. कौन घेरेगा इसे, एमजी. और अब तो आपको पता लग गया होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर होना ही पड़ेगा ताकि फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ही ऊपर लगे. फोर्स ऊपर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगना चाहिए, ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहां फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो डायग्राम मैंने खुद अपने मन से बनाया. तो एम जी इज इक्वल टू, इसमें करो एम जी इज इक्वल टू क्या करेंगे, क्यू ई, या एम इन टू जी इज इक्वल टू क्यू की जगह क्या पुट करेंगे, एनी. ई का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सॉल्व करो और एन निकालो, इसके अंदर क्या आ रहा है, 9.8 × 10⁻¹⁷ ऐसे ही कुछ, 10⁸. अच्छा, और करने दो एक बार ट्राई, तो कर लो जरा ट्राई, यही है, 10⁻¹⁷ आ रही है, 9.8 और 10 का. अच्छा, पर क्या फर्क है, एक जीरो का थोड़ा फर्क पड़ जाएगा उसमें. अच्छा, 10 से वो कट गया, ओके ओके, ठीक है ठीक है, पॉइंट क्लियर है. लेकिन कैसे करने है, कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, लो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो. तीन क्वेश्चन है, चार्जेस हैं 10⁻¹⁸, चार्जेस हैं 10⁻¹⁸. तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बन रहा है. डिस्टेंसेस गिवन है आपको, पी पे, क्यू पे एंड सी पे ई निकालना है. सॉल्व करो, तीन पॉइंट्स पर ई निकालना है.
देखो क्वेश्चन इज कि सबसे पहले 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम एंड माइनस 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम चार्जेस हैं और पी के ऊपर मुझे क्या निकालना है, ये 0.05 मीटर है, ये भी 0.05 मीटर है, मुझे पी पॉइंट के ऊपर ई निकालना है। जिन लोगों को न्यूमेरिकल करते हुए याद नहीं रहा कि ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो लोग यहां पर क्या रखेंगे, प्लस 1, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 इज टू पावर माइनस 8 बाय, ये लो ये आंसर इसका, और ये माइनस इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, और फॉर्मूला विल रिमेन सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं साइन तो लेते ही नहीं, बाय 0.05 का होल स्क्वायर, और नेट वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को क्या कर देना है, एड आंसर। कितने लोगों ने ऐसे किया, कितने लोगों ने डायपोल का फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगाते लगाते उन्होंने स्मॉल आर को जीरो पुट किया, नहीं फिर स्मॉल आर क्या पुट किया, एक्सीएल का फॉर्मूला। अच्छा देखो ये क्लोज करूं, ये तो सही है सिस्टम, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, ऐड कर लेंगे आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, इसको क्लोज करूं मेथड वन को। प्रॉब्लम ये है जो लोग डायपोल के साथ करना चाहते हैं कि उनको पता लग चुका है कि ये डायपोल है और पता लगे कि उससे भी आंसर गलत आ गया, जो आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। देखो कैसे, दूसरे बैच में एक स्टूडेंट ने कहा कि देखो सर ये एक्सियल लाइन पे लाई करता है, मैंने कहा हाँ एक्सियल लाइन है, तो कहता देखो मैंने एक्सियल लाइन का फॉर्मूला पुट कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³, राइट, मैंने कहा सही किया। तो वो कहते हैं कि मुझे जहां ई निकालना है उसका डिस्टेंस सेंटर से लिया जाता है, हाँ मैंने कहा ठीक है, तो कहते हैं मेरे को तो सेंटर पे ही निकालना है डायपोल के, तो स्मॉल आर तो जीरो हो गया, और जब मैं स्मॉल आर को यहां जीरो पुट करता हूं ये तो डिफाइंड ही नहीं होता, डिनोमिनेटर में मैथ्स में जीरो थोड़े ना रखोगे, अब ये तो कहता गलत हो गया, वो शॉर्ट डायपोल है। आप इस केस में जब सेंटर के ऊपर ई निकालना है डायपोल में, आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते, शॉर्टकट तो तब लगाओगे जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन ए, यहां तो स्मॉल आर ही जीरो है, शॉर्टकट कहां से लगा लोगे, फॉर्मूला भी वैलिड नहीं है। पॉइंट समझ में आया, ये फॉर्मूला कब लगता है, जब छोटा आर ग्रेटर देन ए है, यहां तो छोटा आर है ही नहीं, जीरो ही है, तो ग्रेटर कहां से हो जाएगा ए से, ये तो शॉर्टकट है ना, तो ये फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल नहीं है। जो लगाना चाहते हैं वो ए वाला फॉर्मूला लगाएं फिर पूरे डायपोल का, जो हमने डराइव किया था r² - a² - a² वो जो किया था, तो उसमें ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उससे बेटर है कि प्लस वन वाला ही कर दें, ज्यादा बेटर है, काम ही खत्म करें, हाँ वो कर सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है वो फॉर्मूला कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चलेगा। क्या ये पॉइंट नंबर वन क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें, प्रेरक क्लियर है, ओके पहला मेथड शायद ज्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। फिर क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में मेरे को फिर से यही गिवन है, 10^-8 कूलम माइनस 10^-8 कूलम एंड 0.05 एंड सिमिलरली 0.05 में ये एक पॉइंट है जहां पर मुझे ई निकालना है, राइट, तो मैं चार्ज क्या रखूंगा, प्लस 1, मतलब अगर मेरी तरह आप फॉर्मूला भूल गए तो प्लस 1 रख लो, प्लस 1 रखोगे तो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज इसे क्या करेगा, रिपेल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस डिवाइडेड बाय 0.5 का होल स्क्वायर, बात नहीं करो प्लीज, क्लियर, रिपल्शन हो गई, और ये नेगेटिव चार्ज इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10^-8 का मैग्नीट्यूड 0.05 × 3 का स्क्वायर, क्योंकि दिस प्लस दिस प्लस दिस 3 गुना हो गया टोटल डिस्टेंस, फिर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस। कोई स्टूडेंट बोला सर ई एक्सेल का फॉर्मूला यूज कर लूं, कर सकता है, ई एक्सेल इसमें लगेगा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा, पर ए वाला फॉर्मूला यूज करना, बिकॉज इसमें ए और आर बहुत बड़े छोटे नहीं है, बाकी कुछ भी कर लो चल तो जाएगा ही, मेरे हिसाब से यही ठीक है, प्लस 1 रखो और डन करो, बड़े में से छोटा माइनस ही करो, ठीक।
डाउट है वंदना? डाउट है? ठीक है, प्लस वन वाला मेथड ज्यादा बेटर है। जहां ही निकालना है प्लस वन रख दो, आस पड़ोस के चार्जेस के वेक्टर ड्रॉ करो, बड़े में छोटा माइनस कर दो। ठीक है, ओके, साइलेंस प्लीज, बात बंद। बहुत डिस्कशन हो गई, रिलैक्स। और जो लास्ट है, लास्ट में मुझे लगता है कि फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि लास्ट के अंदर 10 की पावर माइनस 8 कूलम और ये माइनस 10 की पावर माइनस 8 कूलम और ये 0.05, ये 0.05 और ये जो डिस्टेंस है ये मुझे निकालना पड़ेगा, शायद मैंने इसमें किया हुआ है, ये रहा, ये ज़्यादा बेटर है। देखो डायग्राम बनाई हुआ है इसमें, तो इसके अंदर मुझे यहाँ पर आर डिस्टेंस पे मैंने पाइथागोरस से निकाल लिया, आर डिस्टेंस पे मुझे ई निकालना है। पहला मेथड प्लस वन रखो, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस पूरी डेरिवेशन करनी पड़ेगी, ई ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। बेटर यही है कि डायपोल है, ये डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो कौन सी लाइन है? इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाओ, काम ही खत्म करो, सबसे बेस्ट है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा लेना, आप पी तो निकाल ही लोगे, क्यू इंटू टू ए, और इसमें टू ए की वैल्यू कितनी है, इन दोनों का सम टू ए, कर लोगे सॉल्व। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाना, Q पता है 2a, 2e cos थीटा, हाँ वैसे डेरिवेशन है ये, इक्वेटोरियल की डेरिवेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो 2e cos थीटा वाली, वैसे करना चाहो वैसे कर लो, मेरे हिसाब से फॉर्मूला लगाओगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो पॉइंट चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि e की वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें, कोई डाउट इसमें? देखो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम आएगी आपको इसमें, ध्यान आगे प्लीज। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रॉन गिर गया 4 सेंटीमीटर नीचे गिर गया, इलेक्ट्रॉन 4 सेंटीमीटर नीचे गिर गया, मुझे ये लाइन सुनते ही लगा कि शायद अपने वेट की वजह से नीचे गिर गया, लिख लेना वेट निगलेक्टेड है प्लीज। ठीक, मास तो लेना है पर वेट का प्लीज फैक्टर मत लेना, वेट से नहीं गिरा, एक्चुअल में क्या हुआ, किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। जैसे मैंने अपने मन में एक डायग्राम सोचा और मैंने बनाया, कैसे मैंने सोच लिया ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसने प्लेट्स लगाई होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया होगा ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रॉन को रख दिया यहाँ पे रेस्ट पे, रेस्ट पे इलेक्ट्रॉन रखते ही ये नीचे गिर गया, वेट की वजह से नहीं, मैं फिर कह रहा हूं क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कहां, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्कस किया था, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स एक्सपीरियंस करता है और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट करता है, तो ये नीचे गिर गया ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यों गिरा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स, मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या होता है, क्यू इंटू ई, क्लियर है यहां तक, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई बाय मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे मैग्नीट्यूड पता है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में पता है, मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9 × 10⁻³, तो मैंने क्या निकाल ली, एक्सेलरेशन, करेक्शन होगा ये 15 नहीं आएगा शायद 8 आएगा, चेक करना जरा, 31 ऊपर जाएगा, सॉल्व करके बताओ कितने जीरो आएंगी, 15 नहीं आएंगी, करेक्शन करना 8 आएंगी, कितनी आएंगी, 8 आएंगी, करेक्शन कर लो प्लीज, 15 नहीं आएगा 8 आएगा, फिर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो क्यू ई बाय एम से कांस्टेंट ही होगी, ई कांस्टेंट है ना, वो प्रैक्टिकल नहीं ना, वो तो फिर कोई गाड़ी भी नहीं चलेगी ऐसे काइनेमेटिक्स में। क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली इंटेंशन नहीं बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन ये जनरेट हो जाएगी, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सुन लो एक बार, क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकाल लो, निकल गई, 4 सेंटीमीटर नीचे गिरा, कितने टाइम में नीचे गिरेगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में u 0 रेस्ट से चला था और s कितने 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, एक्सेलरेशन 8 फुट कर लेना यहां पर, एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर, टाइम कैन बी कैलकुलेटेड,
ठीक है यहां तक? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन जनरेट करवा के हम अपने काइनेमेटिक्स लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यही क्वेश्चन रिपीट हुआ, अब वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, ऊपर पहले ऊपर था अब नीचे, यानी कि ऊपर वाली प्लेट किसी ने पॉजिटिव नीचे नेगेटिव कर दी और प्रोटॉन को घेर दिया। अब ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएगा। अगर वो ना चेंज करता इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोटॉन कहां चला जाता? ऊपर। उसने कहा फॉल हुआ, नीचे गिरा। तो ये लॉजिक समझ में आया कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसने चेंज की। क्वेश्चन सेम है, एक्सेलरेशन निकालो और टाइम निकाल लो 4 सेंटीमीटर नीचे गिरने का। ऊपर वाली प्रॉब्लम और इसमें कोई फर्क नहीं, एक जगह फर्क है, बोलो क्या? मास। पहला स्टेप ऊपर और नीचे में सेम रहेगा, ये वाला यहां तक सेम है, चार्ज सेम है, ई सेम है, मास चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन चेंज होगी। पहला स्टेप क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है ना। दूसरा, इस स्टेप के अंदर भी 4 सेंटीमीटर सेम है, एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो टाइम अपने आप ही डिफरेंट आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है यहां पर कि क्या डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में? सिर्फ मास का डिफरेंस होगा। दिमाग डाउट है इसमें? समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? तो कुछ नहीं करना, बस इस पूरे कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक चीज बताई है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स QE, और उसको अगर मास से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन। बस ठीक। और लास्ट इसमें ये ऑब्जेक्टिव में काम आता है रिजल्ट, मैंने नोट लिख दिया, जब आप रिवाइज करेंगे कभी ना कभी ये नोट जरूर पढ़ेंगे। मान लो एक चार्ज पार्टिकल आ रहा था विद और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, और वो एंटर करता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वर्ड ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? परपेंडिकुलर, सीधा था। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गया, चार्ज पार्टिकल आया, वो जाना सीधा चाहता था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसके ऊपर फोर्स लगाई, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि चार्ज पार्टिकल ऊपर जाए, आप चाहते हो चार्ज पार्टिकल सीधा जाए। अब एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नजर नहीं आ रही, एक्स में फील्ड ही नहीं है, ना ग्रेविटी है, कुछ भी नहीं, तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज तब आती है जब कोई फोर्स लगती है। फोर्स तो सिर्फ वाई में लग रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसे वाई में खींच रहा है, एक्स में कोई फोर्स नहीं, तो पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ सीधा तो जाएगा जाएगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर खींच लेगा। ये चैप्टर सुना सा लगता है, कैसी फीलिंग आ रही है? प्रोजेक्टाइल, कितने लोगों का प्रोजेक्टाइल चल रहा है? नहीं रिलेट नहीं कर पाए, देखो मैं करवाता हूं। टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से किसी ने बॉल को फेंका विद वेलोसिटी ऑफ वी, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही थी, बॉल चाहती है वो सीधी जाए, सीधे में फोर्स तो है नहीं कोई, वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती एक्स एक्सिस में, ग्रेविटी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहां पर जीरो, ग्रेविटी के अफेक्ट से वो नीचे भी आएगा आगे भी जाएगा, पैराबोला कवर करेगा। तो सेम इसके साथ भी हुआ, चार्ज पार्टिकल को सीधा भेजा गया लेकिन ग्रेविटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स ऊपर लेके जा रही है, पार्टिकल आगे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, तो प्रूव करो पैराबोला में जाएगा। ठीक है यहां तक? तो करना कैसे है देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं है, इसीलिए वेलोसिटी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मान लो टी टाइम में पार्टिकल यहां से यहां आ गया, कवरिंग टू कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स में एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर हो गया और वाई में भी हो गया, तो कौन सी, और वाई एक्सिस को प्लीज इसको बोल्ड में या बॉक्स में डालो। तो सबसे पहले मैं क्या एक्सिस ले रहा हूं? वाई एक्सिस। सबसे पहले मैं क्या एक्सिस ले रहा हूं? y एक्सिस। y एक्सिस में फोर्स क्या लग रही है बोलो? q into e, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस में है? y, तो फोर्स भी किस एक्सिस में है? y। फोर्स कितनी लग रही है? QE। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितनी है? QE by m। ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बोलो कहां है?
लेफ्ट राइट ऊपर की नीचे? अच्छा, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कौन बताएगा? चार्ज कैसे बताएगा यार? मास, ई, ई की डायरेक्शन कहां है तो एक्सेलेरेशन भी कहां है? इतना मोटा बोल्ड तो करवाया यार, वाई एक्सिस सारा कुछ तो वाई में चल रहा है यार, फिर टाइम लगाए जा रहे हो, वाई एक्सिस तो हर चीज वाई भी जाएगी और कहां जाएगा? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो वाई एक्सिस में एक्सेलेरेशन है, वाई एक्सिस में जब वो पार्टिकल एंटर किया था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो, क्योंकि वो तो मूव एक्स में कर रहा था, वो तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बाद में मूव किया वो, तो वाई एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्टाइल में जैसे अप्लाई करते हैं एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैसे वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलेरेशन वाई एक्सिस में क्या थी? क्यू ई बाई एम, इक्वेशन नंबर वन। क्लियर यहां तक? और एक्स एक्सिस के अंदर नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं है, तो फोर्स नहीं है तो एक्सेलेरेशन नहीं है या रिटार्डेशन भी नहीं है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट। और जब काइनेमेटिक्स में कोई बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वी अप्लाई इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी टी। तो वाई एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई उसकी? एक्स। कितने टाइम में? टी सेम टाइम में। तो यहां से टाइम की वैल्यू आई, इस टाइम को उठा के यहां पुट किया एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में ये कॉन्स्टेंट है, सब मासेज वी सब कॉन्स्टेंट है, वाई प्रपोर्शनल टू x square, maths में अगर y proportional to x square है, तो path follow क्या है? Parabola है। क्या ये step clear है? ये NCERT की कोई derivation नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ result है, objective के अंदर ऐसा आता है, तो आप इसको revise करेंगे, तो बस ये याद होना चाहिए कि perpendicular electric field में charge particle जब enter करता है, वो कैसे move करता है? Parabola। बस ये mark कर देना। इसलिए किया कि थोड़ा याद आ जाए projectile भी थोड़ा-थोड़ा। प्रूफ कोई नहीं है तो वैसे ही लिख दिया मैंने। क्या ये रिजल्ट क्लियर है सबको? ठीक, हर जगह सेम, वैसे नॉन यूनिफॉर्म होता है प्रैक्टिकली, आएगा वो भी, एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इंटीग्रेशंस नहीं कर पाएंगे। देखो देखो जी, करते हैं स्टार्ट। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्जेस खत्म, बहुत अच्छे दिन हो गए, क्योंकि पॉइंट चार्जेस करे जा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा, अब पूरे साल तो नहीं पॉइंट चार्ज करा सकते ना, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, रिंग के ऊपर चलते हैं, थोड़ी सी इंटीग्रेशन बेस चलेगा, बहुत थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे ही फिर ये फिगर्स चेंज होती जाएंगी, पर इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं, धीरे धीरे, मतलब दो लेक्चर में एक बार चेंज होगी, फिर उसी के ऊपर रिजल्ट्स चलेंगे, चार पांच फिगर्स ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एक चार्ज्ड रिंग है, बात नहीं करो प्लीज, चार्ज्ड रिंग है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे क्या करना है, इस रिंग के एक्सिस पे कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस दूर, जहां मुझे ई निकालना है। ये रिंग है, रिंग है, इसके एक्सिस पे मुझे ई निकालना है, ठीक। तो सबसे पहली चीज, अगर ये चार्ज रिंग है तो चार्ज यूनिफॉर्मली हर तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है, ठीक, क्यू चार्ज है, और ये इसका एक्सिस है, यहां मुझे ई निकालना है तो प्लस वन। प्रॉब्लम यह है कि सीधा रिजल्ट लग नहीं सकता, क्योंकि कूलम लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए, और हमने भी ई पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कस किया, बॉडीज के लिए नहीं किया। तो इसका एक ही इलाज है, एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, स्मॉल चार्ज, कितना? डी क्यू, रेडियस ए है, और ये आर डिस्टेंस दूर आपको आंसर निकालना है, क्योंकि डी क्यू बहुत स्मॉल चार्ज है, डी क्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं ई का, यहां क्या होगा? डी क्यू पॉजिटिव इस प्लस वन को क्या करेगा? रिपेल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आएगा, क्योंकि डी क्यू स्मॉल चार्ज है, कॉन्ट्रीब्यूशन भी इसका स्मॉल होगा, ठीक है यहां तक। फिर उसी तरीके से अगर ये थीटा एंगल लेते हैं, इमेजिन करो ये थीटा हो जाएगा, डी ई का एक कॉम्पोनेंट डी ई कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट डी ई
साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब एक काम करना पड़ेगा, रिंग के जितने भी केसेस होते हैं इसमें एक एलिमेंट की बजाय डायमेट्रिकली दो एलिमेंट्स लिए जाते हैं। मैं बताता हूं क्यों। एक एलिमेंट और ले लो यहां पर डी क्यू, ये इस प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा, सेम। ठीक, इससे क्या फायदा होगा, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ये डी, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ये डी, डी के दो कॉम्पोनेंट डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, डी का एक कॉम्पोनेंट डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, ये कॉम्पोनेंट इससे क्या हो गया, कैंसल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 2d cos थीटा। तो पूरे रिंग का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 2d, बेकार, गलत, दो एलिमेंट का 2d cos थीटा, पूरे रिंग का d cos थीटा नहीं, दो एलिमेंट लिए, अभी पूरे रिंग बाकी है, तो दो एलिमेंट का सिर्फ 2d cos थीटा, साइन कंपोनेंट आपस में क्या कर गए, कैंसल। ये समझ में आ गया। ऐसी करके दो और एलिमेंट लेंगे तो 4d cos थीटा हो जाएगा और दो एलिमेंट कैंसिल, साइन साइन तो हमेशा ही कैंसिल होते जाएंगे, डायमेट्रिकली ऑपोजिट अगर एलिमेंट लेते जाएंगे, cos cos एक तरफ सारे वेक्टर इकट्ठे होते जाएंगे, तो दो एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन 2d cos थीटा, एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ d cos थीटा, राइट। तो एक एलिमेंट सिर्फ d cos थीटा कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि साइन कंपोनेंट आपस में सारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो एक काम करते हैं, एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन डी कॉस थीटा, एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन डी कॉस थीटा, पूरे रिंग के सारे डी कॉस थीटा कंट्रीब्यूट करते जाएंगे एलिमेंट्स, उनको मिला दें तो एक एलिमेंट लो और उसे क्या कर दो, इंटीग्रेट, तो पूरे रिंग का डी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, मिलके टोटल ई दे देगा आपको। पॉइंट समझ में आया यहां तक, कोई डाउट इसमें? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, सर आपने 2 मिस कर दिया, इट शुड बी 2d cos थीटा। नहीं, वो सिर्फ इसलिए समझाने के लिए था कि साइन कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एक्चुअल में एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन d cos थीटा ही रहता है, दो एलिमेंट का 2d cos थीटा, चार का 4d cos थीटा, आठ का 8d cos थीटा, हमें तो एक का ही चाहिए, तो एक का सिर्फ d cos थीटा। क्या स्टेप क्लियर है? DE की वैल्यू क्या होगी बोलो, 1/4πε0 dQ डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर। DE, इस DE को उठा के मैं यहां पुट कर देता हूं, DE पुट कर दिया, और cos थीटा बोलो क्या होगा, cos थीटा स्मॉल r डिवाइडेड बाय दिस अंडर रूट ऑफ r² + a² ये रहा, cos थीटा ट्रायंगल से पुट कर दो, तो यहां से ये और ये मल्टीप्लाई होंगे रेज टू पावर 3/2, अंडर रूट है, ठीक, तो ये रेज टू पावर क्या आ गया, 3/2, इसमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रही है, चार्ज, तो चार्ज वाली टर्म्स डी क्यू की इंटीग्रेशन चलेगी, सब कुछ कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। तो एक स्टूडेंट मेरे से पूछा दूसरे बैच में, सर आर कैसे कांस्टेंट है, मैंने पूछा वो क्यों, कह रहे आर तो चेंज हो सकता है, आप 10 सेंटीमीटर पे ई निकालो, 4 पे निकालो, 5 पे निकालो, वो तो वेरिएबल है। तो मैंने कहा इस क्वेश्चन में मैं r डिस्टेंस दूरी पे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फिर वैसे तो रिंग का रेडियस भी कांस्टेंट नहीं है, तुम कहोगे 10 सेंटीमीटर की रिंग है, 15 सेंटीमीटर की रिंग है, फिर तो दुनिया में कोई चीज कांस्टेंट ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर a भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, हां न्यूमेरिकल के अंदर आप 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर जो मर्जी पुट करना, r की वैल्यू पुट करते जाना, आंसर आता जाएगा, पर फॉर अ गिवन क्वेश्चन ये सब कांस्टेंट्स हैं। 1dQ की इंटीग्रेशन q है, ये फॉर्मूला याद कर लो, रिंग के एक्सिस पे काम आएगा ऑब्जेक्टिव में, और ये एनसीईआरटी की डेरिवेशन है, सीबीएसई में लिखने को आती है, 1/4πε0 rQ/√r² + a² raised to power 3/2, फॉर्मूला याद कर लो, मार्क कर लो, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? फिर एक स्पेशल केस आ जाता है, स्पेशल केस में अगर मैं चार्ज रिंग के सेंटर पे ई निकालने को कहूं, सेंटर पे, तो छोटे आर को क्या पुट कर दोगे, जीरो, जैसे ही छोटा आर जीरो पुट करोगे ई क्या हो जाएगा, जीरो, सही है। ई की वैल्यू एक चार्ज रिंग के सेंटर पे याद रखना हमेशा क्या होगी, और वैसे भी पता ही है ये एलिमेंट, अगर मुझे कोई कहे कि कॉमन सेंस से बताओ तो ये प्लस वन रखेंगे यहां पर जहां ई निकालना है,
यहां का एलिमेंट इसे रिपेल करेगा, यहां का रिपेल करेगा, हर कोई अगर रिपेल करता रहेगा तो नेट ई ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जीरो, तो याद रहेगा। और लास्ट स्पेशल केस है इसमें, अगर स्मॉल आर बहुत बड़ा हुआ ए से, ए बहुत छोटा है, रिंग का साइज बहुत छोटा, देखो इतना छोटा कि दिख भी नहीं रहा पीछे, पीछे के आगे भी दिख रहा, मैंने गायब भी कर दिया, ए बहुत छोटा है, आर बहुत बड़ा है, तो आपको लग रहा है कि पॉइंट नजर आ रही है, रिंग इतना छोटा है कि एक डॉट ही नजर आएगी, तो इट इज एक्टिंग लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो देखो इस फॉर्मूले में आर बहुत बड़ा है, ए छोटा है, तो ए कैन बी निग्लेक्टेड, ए को उड़ा दो, आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर वही आएगा, इट इज एक्टिंग लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये स्पेशल केस में यूज नहीं होता, पर रिंग के सेंटर पे तो कम से कम यूज होता ही है। यहां तक क्लियर है? और लास्ट टॉपिक आज का टॉर्क, बस यहीं तक रहेगा और ये 2 मिनट का ही काम है, ज्यादा बड़ा काम है नहीं। टॉर्क के अंदर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस सेम फोर्स क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करूं, ये मैंने प्लेट्स लगा दी प्लस और ये मैंने लगा दी माइनस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर तरफ ई की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, और मैं यहां पर एक डायपोल को रख दूं, ये मेरा डायपोल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है, तो क्योंकि क्यू इज लाइंग इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट की लेफ्ट, ई इधर है तो कहां पर, राइट, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, यहां पर बोलो क्यू ए टूवर्ड्स राइट, वैसे भी ये दीवार से खींचने लगेगी, पता लग ही रहा है। नेक्स्ट, माइनस चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोलो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, क्यू इंटू ई, तो कॉन्स्टेंट है हर जगह। अब मुझे ये बताओ कि ये आपके पास एक बॉडी पड़ी हुई है, कोई स्टूडेंट इसको यहां फोर्स लगा रहा है और एक यहां पे लगा रहा है, फिर रिपीट करता हूं, एक यहां लगा रहा है और एक यहां लगा रहा है, तो ये आपको लगने रिमोट घूम रहा है, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है इसमें, इसके अंदर ये डायपोल है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक ऐसे लग रही है, तो ऑब्वियसली इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। और वैसे भी हमने डिस्कस किया शुरू में कि अल्टीमेटली कहां रुकने की कोशिश करेगा, डायपोल की जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है वो रेस्ट पे ऐसे रहना चाहता है, वो चाहता है कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट हो जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाऊं, वो ये चाहता है कि मैं ऐसे हो जाऊं, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ऑब्वियसली अगर आप इसको, ये था तो ऐसे ही पर आपने इसको घुमा दिया बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो ऑब्वियसली यहां रुकेगा नहीं है, वापस ऐसे आएगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करेगा। यहां तक क्लियर है? इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि नेट फोर्स यहां पर क्या हो जाएगी, जीरो। वो क्यों जीरो? क्योंकि ये देखो, ये क्यू ई और यहां से ये भी क्यू ई, कैंसल, रेस्ट पे आने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि अगर आपने इसको थीटा घुमा दिया तो वो रेस्ट पे आने की कोशिश करेगा अपने इस पोजीशन पे, घूम के वापस आएगा, घूम के वापस आने का मतलब क्या जनरेट करेगा, टॉर्क, वो निकालना है मुझे कितने टॉर्क से वो वापस आएगा। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई कि हमने क्या निकालना है, और ये समझ में आया कि टॉर्क जनरेट क्यों हुआ, क्योंकि आप उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो, ये उसकी इक्विलिब्रियम है, आप ऐसे कर रहे हो, वो ऐसे आएगा, ये आधी स्टोरी है। अब स्लो मोशन में देखो, वैसे पड़ा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइंट था, आपने उसको ऐसे जबरदस्ती कर दिया, वो कैसे आएगा वापस टॉर्क जनरेट करा के, ऐसे, पर क्योंकि वो एकदम ब्रेक्स तो लगाएगा नहीं, एंगुलर मोशन अटेन कर चुका है, तो वो एकदम रेस्ट पे नहीं आएगा, थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, ठीक, वो थोड़ा सा मोशन अटेन कर गया ना नीचे, पर फिर वही सेम स्टोरी, वो ठीक है नीचे गया, इट विल ट्राई टू अटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो वापस ऐसे नहीं कोशिश करेगा, पर एंगुलर मोशन अटेन कर चुका, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा,
तो अल्टीमेटली एनर्जी लॉस तो है नहीं, ये एक्चुअल सिचुएशन है, ये रहा। ऐसे करेगा, प्रूव करो, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मोशन एंगुलर SHM में होगा, ये अगला पार्ट ऑफ स्टोरी है जो अगले लेक्चर में चलेगा, राइट। ये एक्चुअल सिचुएशन है, समझ में आ रहा है? तो दो स्टोरीज हैं, प्रूव करो एंगुलर SHM में, पर अभी नहीं, अभी आदि यहां से वापस आया तो टॉर्क कितना जनरेट होगा, बस, जिसको रिस्टोरिंग टॉर्क भी बोलेंगे हम एंगुलर SHM में, वापस आने का टॉर्क। पॉइंट समझ में आया करने के हवाले हैं, टॉर्क निकालने, तो एनसीआरटी में SHM नहीं आएगा, एनसीआरटी में सिर्फ ये आएगा और कंपटीशन में SHM वाला पार्ट आएगा, ठीक। तो ये प्रूव करने को आएगा टॉर्क, तो टॉर्क के अंदर या टॉर्क को करने से पहले दो मिनट लूंगा सिर्फ, प्लीज साइलेंस। एक टर्म जिसको बोलते हैं कपल, कपल रोटेशनल मोशन में किया था, कपल का मतलब होता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नोन एज अ कपल। कपल से टॉर्क कैसे जनरेट होता है, अगर ये एक्सिस है, ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस है, तो एफ फोर्स इसे कैसे घुमाएगी, क्लॉकवाइज, और ये एफ इसे कैसे घुमाएगी, क्लॉकवाइज, दोनों के दोनों क्लॉकवाइज। ऊपर वाली एफ फोर्स का टॉर्क क्या होगा, आर एफ साइन 90, आर एफ साइन 90, नीचे वाली टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी, आर एफ साइन 90, दोनों एक ही डायरेक्शन में बॉडी को घुमा रहे हैं, तो नेट टॉर्क होगा एफ इंटू कितना, 2R। ये रोटेशनल मोशन के अंदर हम करते थे, पर अभी शॉर्टकट करेंगे। आज के बाद अगर आपको कोई बॉडी गिवन है जिसपे कपल लग रहा है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, और वैल्यू किसकी निकालनी है, टॉर्क की, तो कपल की वजह से टॉर्क निकालने का एक शॉर्टकट है, आइदर फोर्स, आइदर फोर्स कोई भी एक फोर्स ले लो, दो नहीं लेने, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस जो कि कितना है, 2R, वही है एफ इंटू 2R। तो ये शॉर्टकट है जो हम इसमें यूज करेंगे, इसलिए यूज करेंगे क्योंकि मेरे क्वेश्चन के अंदर भी एक कपल बन चुका है। कैसे, ये डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा एंगल पे है, कॉरस्पॉन्डिंग से ये भी थीटा है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर ली, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, बताऊंगा क्यों। डायपोल का डिस्टेंस कितना होता है, 2a, तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा इज y डिवाइडेड बाई 2a, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2a साइन थीटा। एक फोर्स राइट की तरफ लग रही है, कितनी, f इज इक्वल टू क्यू ई, बात नहीं करो प्लीज, एक राइट की तरफ f इज इक्वल टू क्यू ई, एक लेफ्ट की तरफ f इज इक्वल टू क्यू ई, तो f इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स क्या दिखाई दे रहे हैं, कपल, तो इट विल जनरेट अ टॉर्क, ठीक। तो अगर एक फोर्स यहां लग रही है f इज इक्वल टू क्यू ई, एक यहां लग रही है f इज इक्वल टू क्यू ई, इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलता है, ये डिस्टेंस क्या होगा इनका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर। ये देखो, एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a साइन थीटा, दिख रहा है, ये क्यों निकाला, दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस 2a साइन थीटा, क्लियर। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यूई, आइदर फोर्स क्यूई, और q इंटू 2a एक तरफ, q इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट p, टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, PE साइन थीटा, p इज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, साइन को हटाएंगे तो क्या लगेगा, क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन लगता था, तो टॉर्क वेक्टर इज p क्रॉस e वेक्टर। ये स्टेप क्लियर है? तो आज के बाद अगर डायपोल विद अ डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होगा, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, कितना, PE साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, राइट, दो स्पेशल केस। अगर थीटा जीरो हुआ, मतलब कि ये डायपोल है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायपोल मोमेंट है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो P और E में एंगल क्या हुआ, जीरो, तो टॉर्क क्या आएगा, जीरो। वैसे भी दिख नहीं रहा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में पड़ा हुआ है, तो प्लस माइनस को खींच के बैठा हुआ है, प्लस माइनस को, तो ऐसे ही रहेगा, कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। पर अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90, समझते हो कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई वेक्टर है,
और डायपोल मोमेंट ऐसे है प्लस एंड माइनस, तो एंगल बिटवीन पी एंड ई इज 90. तो टॉर्क क्या होगा, पी साइन 90 यानी कि मैक्सिमम. ये तो न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन बोल दो जाते हुए पीई साइन थीटा. ठीक, आज की आज ये लेक्चर रजिस्टर में बना लेना, क्योंकि अगली बार रजिस्टर कंप्लीट करके इसको नेक्स्ट से नेक्स्ट टाइम चेक होना है जितना भी काम हुआ. लेट नहीं करना, साथ की साथ इसको लिखो.